Morning students, class 10th. Today we are going to solve some questions based on PPT, that is Bayesian proportionality theorem. Exercise 6.2, the first question or second question, दोनों एक साथ हम solve करेंगे. जैसे आपको पता है कि PPT theorem आप बच्चों पता होगी क्या होती है कि अगर एक triangle है, उस triangle में अगर एक line हम draw करते हैं और वो लाइन पैरेलल होती है थर्ड साइड के, तो जो बाकी दो साइड्स का रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल होगा. दिस इज व्हाट बीपीटी कहता है. बीपीटी, अगेन आई रिपीट, अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और वो लाइन किसी भी साइड को पैरेलल होगी तो बाकी जो दो साइड बचेंगे वो उनको हमेशा इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है. उसका उल्टा है कि अगर ट्राइंगल में एक लाइन ड्रॉ की गई है और वो डिवाइड करता है दो साइड्स को सेम रेशो में, तो बताओ वो लाइन हम उसको पैरेलल होगी, वो हमेशा ही पैरेलल होगी. दिस इज द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. नाउ हियर इज अ क्वेश्चन इन द गिवन फिगर. ये फिगर गिवन है आपके पास, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें डी एक लाइन दी हुई है, वो पैरेलल दी हुई है. सो ये बीपीटी पर बेस्ड है, पैरेलल दी है किसके, BC के. तो आपको जो रेशो गिवन है A से लेकर D तक है 1.5 सेंटीमीटर, D से B तक 3 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर और EC आपको फाइंड करना है. फाइंड EC. चलिए बच्चों, यहां पर क्योंकि पैरेलल दिया है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. इन ट्रायंगल ABC, DE इज पैरेलल टू BC गिवन है. So therefore by हम लिखेंगे, यहां पर लिखना पड़ेगा by BPT. By BPT क्या होगा, साइड्स का रेशो AD upon DB बराबर होगा AE upon EC. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब वैल्यूज पुट करते हैं, 1.5 upon 3 is equal to 1 upon EC. यही EC हमने फाइंड करना है. तो अगर आप इसको कट करेंगे 3 वन जा तो 0.5, तो मल्टीप्लाई देंगे आप, EC कितना आ गया, EC which implies EC is EC into 0.5 is equal to 1. So that means EC is equal to 1 upon 0.5. You can say that 10 upon 5. So 2 कितना आया EC, तो EC की value 2 centimeter आ गई. ये इसका आंसर आ गया, मतलब EC 2 होगा. ठीक है, क्योंकि 15 अब ये 10, 15 अपॉन 10 हो गया, ये आपका 3 सेंटीमीटर है 1 अपॉन 2, क्योंकि इन दोनों का रेशो भी सेम होगा. अगर हम 1.5 अपॉन 3 करेंगे तो ये 15 अपॉन 30 होता है, 1 जाओ 2 जाओ 1 अपॉन 2, और इनका रेशो भी 1 और कितना है आपका 2, सो सेम रेशो, इसलिए ये बीपीटी इसमें अप्लाई होती है. नाउ इसके दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, यहां पर हमारे पास एक ट्रायंगल PQR दिया है, साइड्स का रेशियो दिया हुआ है आपके पास, तो आपको बताना है क्या EF इस QR के पैरेलल है, क्या EF इस QR के पैरेलल है. ठीक है, सो लेट अस सॉल्व. पहले देखते हैं PE अपॉन EQ का रेशियो क्या है, 3.9 अपॉन 3, तो कितना आ गया 1.3 को आप लिख सकते हैं 13 अपॉन 10 भी. अब हम देखेंगे पी एफ अपॉन एफ आर, तो पी एफ अपॉन एफ आर 3.6 अपॉन 2.0.0 कैंसिल कर सकते हो, 3 अपॉन 2 आया. 3 अपॉन 2 कितना होता बच्चों, 1.5, लेकिन यहां पर कितना आया था आपका 1.3. क्या ये रेशो बराबर आया, देखेंगे. सिंस पीई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, क्योंकि दो साइड्स का रेशो इक्वल नहीं आया, देयरफॉर हम लिख सकते हैं ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ये क्यू आर के पैरेलल नहीं होगा. सो इस तरह से जब दो साइड्स का इक्वल तभी लाइन पैरेलल होगी, अगर लाइन पैरेलल तभी ये दो रेशो इक्वल होंगे. तो यहां पर ध्यान रखिए, नॉट इक्वल टू था पी अपॉन ई क्यू, नॉट इक्वल टू आया था. ठीक है, 1.3 और 1.5 इनमें देखिए सेम नहीं आया, तो पी अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर. सो हम कह सकते हैं ई एफ
इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर।